इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जाए वो ट्रेन से जब एकदम हंगामा खूब चरम पर रहे, आप तो नहीं कोई बोले छे, आपके बोलते आप बोलते करे जाने दरेड़ दो क्यों करे जा पर मूंग दरेड़ दो मूंग झूठ बोल भी झूठ कौन बात के झूठ रे नारेबाजी किया है कौन चीज के नारेबाजी हाँ करे छे नारेबाजी नारेबाजी देश के खिलाफ नहीं करे छे आरएसएस और भाजपा के खिलाफ करे छे और ठोक के करे छे फेर करवाए बार बार करवाए कह देना चाहे छे वो तमाम तरह जातिवादी मनोवादी ताकत के खिलाफ नारेबाजी करे छे जब इतिहास लिखा जाएगा तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में और हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आज जब दुनिया सत्ता के सामने नतमस्तक है लोगों के सामने हिम्मत नहीं है हजारों करोड़ रुपया है आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास बड़ा बड़ा कुत्ता आपके गेट पर है फिर भी आप सत्ता के सामने कुत्ता बने हुए हैं हम इंसान हैं अपने पांव पे खड़े हैं और सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं इसीलिए हारने का सवाल नहीं है हम हार जीत के इस खेल में नहीं है ये न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में अगर हमारे पास खोने के लिए कुछ है तो वो है अन्याय और गैर बराबरी इस अन्याय और गैर बराबरी को हम हराएंगे और सामाजिक न्याय को स्थापित करके इस लड़ाई को जीतेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं मैं आपको ये कहता हूं कि हम झोला उठाकर आए हैं और हम फकीर नहीं हैं आपका बेटा है इसलिए झोला उठा करके जाएंगे नहीं अंगद की तरह पांव जमा करके बेगूसराय जिला की धरती पर रहेंगे और अपने लोगों की सेवा करेंगे यह बात हम आपको कहने के लिए आए हैं और हम वो फकीर नहीं हैं कि जनता के सेवा के नाम पर चौकीदारी करने के नाम पर लखटकिया सूट पहन करके घूमेंगे बता दीजिए ऐसा फकीर जो 10 लाख का सूट पहनता हो बता दीजिए ऐसा फकीर जो 4000 रुपये किलो मशरूम खाता हो बता दीजिए ऐसा फकीर जो 18 घंटा काम करता हो और उसका मुंह काला नहीं लाल हो जाता हो अरे हम भी किसान का बेटा हैं, हमारी माँ भी फूक फूक कर चूल्हा से रोटी पकाई है हमने भी अपने बाप दादों को खेत में मेहनत करते हुए देखा है आपने भी देखा होगा कि जो लोग यहाँ हाट लगाते हैं सब्जी का दुकान चलाते हैं चौर्म खेती करते हैं 18 घंटा काम करने से मुंह लाल नहीं होता है साहब मुंह काला हो जाता है धूप में तप करके झूठ मत बोलिए आप 18 घंटा काम नहीं करते हैं आप 18 घंटा इस देश को बेचने का काम करते हैं यह बात हम जानते हैं ये हमारे साथ जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे हैं हम जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हमारे बच्चों की शिक्षा के ऊपर नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर नहीं कर रहे हैं उस टैक्स के पैसा का इस्तेमाल फोटो खिंचवाने में कर रहे हैं और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 6000 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रधानमंत्री ने अपना फोटो खिंचवाने पर खर्च कर दिया है 6000 करोड़ से ज्यादा रुपया और इस 6000 करोड़ रुपए से इस देश में बहुत सारा विकास का काम किया जा सकता था दिखाएंगे विकास का आईना और लगाएंगे हिंदू मुसलमान का नारा ये इनकी सच्चाई है इस सच्चाई को समझिए इनका असली उद्देश्य ये है कि इस देश के संविधान को बदल दिया जाए और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं ये भाजपा के नेता बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे क्योंकि इस देश के संविधान की सबसे बड़ी गलती क्या है कि इस देश के संविधान ने हिंदू और मुसलमान को बराबर कर दिया है ब्राह्मण और दलित को बराबर कर दिया है पिछड़ा और अति पिछड़ा को बराबर कर दिया है महिला और पुरुष को बराबर कर दिया है इसलिए ये देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं ये इस देश के संविधान के उस प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहते हैं कि इस देश में मोटा हो या पतला काला हो या गोरा ब्राह्मण हो या दलित हिंदू हो या मुसलमान महिला हो या पुरुष सबका वोट बराबर होगा ये उस व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं दिल्ली की सड़कों पर देश का संविधान जलाया गया और देश का संविधान जलाते हुए संविधान जलाने वालों ये नारा लगाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुर्दाबाद ये नारा क्यों लगाया गया ये नारा इसलिए लगाया गया कि
उनको लगता है इस देश के संविधान ने समाज से ऊंच नीच की व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की है और उनको समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था चाहिए। वो चाहते हैं कि समाज आपस में बटा रहे, इसीलिए इस गंभीर दौर में हम तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। हमको इसलिए एकजुट होने की जरूरत है कि जो सपना कर्पूरी ठाकुर ने देखा, कर्पूरी मॉडल के द्वारा जिस तरीके से ओबीसी के भीतर भी जो ऊंच नीच है उसको पाटने का प्रयास किया गया, जो सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि समाज में जो जातीय उन्माद है, जो जातीय भेदभाव है उसको समाप्त किया जा सके, वह जो सपना है, जो सपना भगत सिंह का सपना था, जिसमें भगत सिंह कहते थे कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे। अगर हम असली आजादी चाहते हैं तो हमको समाज से शोषण को समाप्त करना पड़ेगा, वह जो भगत सिंह का सपना है। उन सपनों को यदि हम जिंदा रखना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि बेहतर भारत का निर्माण हो, तो हम लोगों को आज इकट्ठा होने की जरूरत है। जाए वो ट्रेन से जब एकदम हंगामा खूब चरम पर है, आप तो नहीं कोई बोले छे, आपके बोलते हैं, आप बोलते करे जाने दरे दबे हो की हो करे जा पर मूंग दरे दबे मूंग झूठ बोल भी झूठ कौन बात के झूठ रे नारेबाजी किया है कौन चीज के नारेबाजी हाँ करे छे नारेबाजी नारेबाजी देश के खिलाफ नहीं करे छे आरएसएस और भाजपा के खिलाफ करे छे और ठोक के करे छे फिर करवाए बार बार करवाए कह दे चाहे वो तमाम तरह जातिवादी मनोवादी ताकत के खिलाफ नारेबाजी करे छे। जो एक जीडी कॉलेज था, आज उस कॉलेज की हालत देख लीजिए कि हजारों विद्यार्थी वहां पे पढ़ते हैं लेकिन क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। जो विश्वविद्यालय का सेशन है वो टाइम पे नहीं चलता है। इलाज कराने के लिए कोई बढ़िया अस्पताल हमारे पास नहीं है। इतना बड़ा जिला है, 30 लाख पॉपुलेशन है, 19,42,000 वोटर है। इतना कुछ होने के बाद और सबसे ज्यादा राजस्व देने वालों में से एक है हमारा जिला, फिर हमारे जिले में एम्स की स्थापना क्यों नहीं हो सकती है? हमारे जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों नहीं हो सकती है? हमारे जिले में नए तरीके के कुटीर उद्योग और मध्यम लघु उद्योगों का विकास क्यों नहीं हो सकता है? ये एजेंडा हमारे पास है कि किसी से हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। न्याय की इस लड़ाई में सिर्फ चुनाव हमारे लिए नहीं है। चुनाव में हम जरूर जाएंगे, लेकिन चुनाव में हम जाएंगे अपना अस्तित्व बचाने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए जाएंगे। चुनाव में यदि हम जाएंगे तो अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं, भारत का भविष्य बनाने के लिए जाएंगे। चुनाव में यदि हम जाएंगे तो इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारा खपरा का घर पक्का का कैसे हो जाए। हम इसलिए जाएंगे कि इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, इस जिले में जो रहने वाले लोग हैं, उनको इस बात का भरोसा हो कि कोई है जो सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो सकता है, बुलाने पे उनके लिए हाजिर हो सकता है और जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे उनको अपने साथ मिला करके वो काम कर सकते हैं और अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए हम आए हैं और यह आशा और विश्वास जो बेगूसराय के लोगों ने हमको दिया है, तो उनको ये बात बोल करके हम खत्म करते हैं अपनी बात को कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। और जब हम जीने मरने के लिए तैयार हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जब सीना गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है तो गोलियां कम पड़ जाती है, सीना छलनी नहीं होता है। और यह जब मरने का संकल्प हमने लिया है तो हम इस बात को जानते हैं कि जब मरने के लिए आप तैयार हैं तो आपको जीने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह बात बेगूसराय की मिट्टी ने हमको सिखाई है कि वही हारता है जो लड़ता है, और जो लड़ता है वही जीतता है, और जो जीतता है वही नया इतिहास रचता है। नया इतिहास रचेंगे बेगूसराय की उस गौरवशाली परंपरा को, उस चमक को पुनर्स्थापित करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद।